वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का थंबनेल देख के तो आप समझ गए होगे मैं ये वीडियो किस पे बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप राइड कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो बाइक राइड का, अगर आपको शौक है तो ज़्यादा ओवर स्पीड मत करो, घाई मत करो। अगर लंबा और लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो एकदम कॉमन स्पीड पे रखो, जाए लाइक 80-90 पे क्रूज़ करो, ज़्यादा घाई मत करो जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोग घाई घाई में ना कुछ इधर उधर नज़र चल जाता है और दुर्घटना हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ है, तो इसके लिए मैं आज स्पेसिफिकली उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया था एक्चुअली। और मैंने जो थंबनेल देखी तो आपको समझ ही होगा कि क्या था एक्चुअली। 3,000 जो फटका लगा है मुझे वो इस केस पे लगा है, बाकी काम तो मेरे को कुछ नहीं दिया है। देख रहे हो अपनी ऐरावत को, तो अपनी ऐरावत तो है मजबूत, तो नो डाउट ऐसे तो सारी गाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन ऐरावत का में ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, जो मेटल क्वालिटी है उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है, जेड सीरीज़ का इंजन है तो उसका कुछ प्रॉब्लम ही आने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे, जैसे हम अपनी बॉडी की ध्यान देते हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो आपको डिफेक्ट देगी। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं राइड पे जा रहा था, राइड पे जाने के बाद जस्ट आगे मेरे ट्रक था, तो ट्रक के बाजू से वे था मेरे को जाने के लिए राइट साइड में, तो मैं जस्ट वहाँ पे एक नज़र घुमाया कि निकल सकता हूँ कि नहीं, उतने में ट्रक वाले ने ब्रेक मार दिया। हो गया ये कि ट्रक वाले ने ब्रेक मारने की वजह से पूरा उसका जो पीछे गार रहता है वो घुस गया मेरे मडगार्ड में और यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल आपको दिख रहा है मेरा मडगार्ड एकदम क्लीन है क्योंकि मैंने इसको चेंज करा लिया है। तो स्पेसिफिकली जब इसके पहले जब भी एक्सीडेंट हुआ था, जब भी मैं गाड़ी को ठोका था, तो उस पर ये वाला पार्ट मेरा पूरा अंदर दब गया था। आपको मैं दिखाता हूँ फोटो, आप फोटो में देख लो आपको समझेगा ये पूरा गायब हो गया था। तो आपने फोटो में देख लिया होगा कि पूरा गायब हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे लगा कि अभी ये इंश्योरेंस में भी क्लेम हो सकता है। दो ऑप्शन है आपके पास, इंश्योरेंस में क्लेम करो या तो फिर आप पूरा डाल के मतलब आप खुद से नया परचेस करके लो। तो इंश्योरेंस में क्लेम छोटा माइनर क्लेम अगर आप करने जाएंगे तो खाली करके आपका नॉन क्लेम बोनस वगैरह ज़्यादा करके नेक्स्ट टाइम पे कम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बोला इतना माइनर के लिए क्या क्लेम करना है, तो इसलिए मैंने उसको पे करके चेंज कर लिया और एज इट इज़ जैसा था वैसा लगा दिया। अब ये हो गया एकदम चकाचक। उस टाइम पे मुझे लगा था कि जैसे उसने मुझे ठोका ना, तो उस टाइम मुझे लगा कि इसके साथ ये भी गया, लेकिन ये पूरा का पूरा बच गया है। ये गया था उसको मैंने रिप्लेस कर लिया, ज़्यादा नहीं 2700 का कुछ अराउंड ओरिजिनल शोरूम से सर्विस सेंटर से ये पार्ट आया है गार्ड, और उसका लेबर चार्जेस 200 या 300 रुपीज़ होता है, जो कि हाँ पकड़ लो आप 3000 तो पकड़ लो। तो ये चीज़ आप अवॉइड करो, इसके लिए जब भी आप राइड पर जाओगे तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखो और उसके बाद ही वो आप राइड पर जाओ। अननेसेसरी घाई करोगे तो वही होना है जो आज मैंने 3000 भरा है, कल जाके आपको ज़्यादा भरना पड़ जाए। सो फिलहाल आप देख रहे हो अभी कि पूरा का पूरा प्रॉपर है, एकदम टकाटक है, बाकी कुछ मैंने अभी तक काम नहीं करा है, सिर्फ इसको रिप्लेस करवाया है, बाकी छोड़ के मैंने कुछ नहीं करवाया। और अभी का अभी देख रहे हो गाड़ी वैसे का वैसे ही चकाचक मेंटेन एकदम। सो बाकी का अभी ये जब रिप्लेस हो गया है तो एज इट इज़ प्रिंट आउट मैंने एरावत का और प्लस अपने चैनल का वैसे ही करवा दिया है, बाकी आप देख रहे हो वैसे का वैसे ही कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, गाड़ी अभी भी एकदम वेल मेंटेन है। काफ़ी इसको मैंने चलाया है लेकिन उसका मुझे बोलते हैं बेनिफिट भी बहुत हुआ है, 35 का एवरेज तो आपको ईजिली दे देता है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसके अंदर। ये देखो 16,000 किलोमीटर चल चुका है बाकी टोटल, और अभी भी आप देख रहे हो वैसे का वैसे ही, ये देखो। सो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आपको लोगों को बताओ कि अगर आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, जो भी चीज़ आपके पास है तो उस पर आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी तो ओवरऑल गाड़ी का कोई इश्यूज नहीं है फिलहाल, अब तक मैंने 16,000 से ज़्यादा किलोमीटर चला चुका हूँ लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी वही है, एवरेज भी वही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि ध्यान से चलाओ, नहीं तो फिर और एक्सपेंसेस आपको बढ़ जाएगा, आपकी जेब खाली होने लग जाएंगे और कुछ नहीं। तो मेरा अभी 16,000 किलोमीटर हो चुका है, वेल मेंटेन भी है, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं दिया अपार्ट फ्रॉम जो मैंने गलती की है उसकी वजह से। तो ये गलती आप भी मत करना, एकदम अच्छे से एकदम स्लोली क्रूज़ करना। आजकल अभी यूट्यूबर्स आप देख रहे हो ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं ओवर स्पीडिंग में, तो ये सब अवॉइड करना क्योंकि इंडियन रोड्स वैसे नहीं है जो आप 100-150 के अबाव जाओ करके। बस तो गाइस अभी निकलता हूँ मैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।